सो हे गाइस, फाइनली मैंने कर लिया अपना हेयर प्रॉब्लम सॉल्व। हे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, सो केस। और उसके बाद का जो मेरा लुक है ना, तो वो बहुत अच्छा लगा था मुझे भी और सबको, यानी कि एक छोटा बेबी को। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं बहुत अच्छी हूँ और आप सब लोग कैसे हैं मुझे जरूर कमेंट में बताना। आज ना मैं बहुत दिनों के बाद आप लोगों के साथ एक व्लॉग वीडियो शेयर कर रही हूँ। मैंने मीशो से कुछ सामान मंगाया था जो मैंने पूजा के पहले ऑर्डर दिया था, बट पूजा के बाद आया है, लेकिन आ गया है अब वही बहुत है। इसको पहले भी मैंने एक बार ओपन करके देख लिया था, पर मैंने अभी फिर से ओपन कर लिया सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए। तो एक छोटा बेबी था जो मुझे बार बार तंग कर रहा था, उसको मैंने बोला कि तू पहले साइड हो जा, पहले मैं वीडियो कर लूँ फिर तुझे दिखाता हूँ। तो ये था एक आई शेडो का प्लेट जो मुझे बहुत पसंद आ गया था। बहुत पहले मैंने ऑर्डर भी किया था बहुत पहले, बट ये आते आते बहुत लेट हो गया था। तो मैंने इस पर्सल को ओपन करते करते अपने हेयर पर थोड़ा ध्यान दिया कि मेरा हेयर बहुत डैमेज हो गया है, तो मैंने आइडिया लगाया चलो इस डैमेज हेयर को सुधारा जाए। तो मैंने यू क्लिक करके अपने पार्लर पे चल दिए। सॉरी दोस्तों, रास्ते का सफ़र मैंने दिखाया नहीं क्योंकि रास्ते में मैं वीडियो करना भूल गई, और अक्सर मेरे साथ ऐसा होता आया है। कई बार मैं वीडियो क्लिप लेना भूल जाती हूँ और मुझे बाद में याद आता है कि मैंने तो क्लिप ही नहीं लिया, आप एडिट कैसे करूँगी। तो ये टेंशन वेंशन छोड़ते हैं और अपने बालों को करते हैं ठीक। हे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, सो केस। तो गाइज, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, और कैसा लगा मेरा वीडियो वो ज़रूर बताना, क्योंकि मैं आज बहुत दिनों के बाद ब्लॉग शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे मेरा बालों का जो डैमेज है वो ट्रीटमेंट चल रहा है, और देखो कितना अच्छा लग रहा था। उसके बाद मेरा जो हेयर है वो एकदम सॉफ्ट हो गया था और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। वैसे मुझे स्ट्रेट हेयर पसंद नहीं है, इसलिए मैंने स्मूथनिंग नहीं कराई थी, जस्ट स्पा कराई थी। तो उसके बाद हम चल दिए एक ज्वेलरी शॉप पे, क्योंकि दिवाली आ रही है और गोल्ड खरीदना दिवाली में बहुत ही शुभ माना जाता है हमारे यहाँ पे। तो वहाँ से हमने कुछ ख़रीद लिया था जो कि सरप्राइज़ है, मैं बाद में दिखाऊंगी, दिवाली का गिफ्ट है तो दिवाली में ही दिखाऊंगी। तो वहाँ से मैं अपने घर के लिए रवाना हुई, मेरा शॉपिंग वहीं पर ख़त्म हो गई। तो गाइस, आप लोगों को लग रहा होगा कि यू सडनली मैं हिंदी में बात क्यों कर रही हूँ। हिंदी में बात करने का रीज़न ये है कि मेरे एक दोस्त ने बोला है कि मेरा हिंदी वॉइस उसको बहुत पसंद है, और इसलिए मैंने हिंदी में आज से व्लॉग करना शुरू किया। वीडियो को एंड तक देखना, और अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करना। और मेरा जो मार्केटिंग है ना, अगर मैंने मार्केट करके कुछ ख़रीदारी करके अगर पानी पूरी यानी कि गोलगप्पा नहीं खाई तो मैंने मार्केटिंग कुछ किया ही नहीं। मेरा मार्केटिंग का लास्ट जो एंड है वो गोलगप्पे से एंडिंग होती है, तो मुझे वो बहुत पसंद है खाने को और मैं हर समय वो खाती रहती हूँ। शॉपिंग करके घर पे आई नहीं कि एक छोटा बेबी हाजिर हो गई कि मुझे मेहंदी लगा दो, पर मुझे उतनी आती नहीं है, जितना आती है मैं उतना लगा देती हूँ उसको। और अगर मैं उसको मेहंदी लगा के नहीं दिया तो मेरा जो पोल है वो सबके सामने खोल देगी, उसने मुझे बोला था, तो उसी डर से मैंने उसको मेहंदी लगा दिया। तो मुझे इतना आता नहीं है मेहंदी लगाना, फिर भी मैंने उसको लगाने की बहुत कोशिश की थी। तो डिज़ाइन बना था ना लास्ट में, आप अगर उसको देख लोगे तो फंस दोगे यार। मैंने मोर बनाना चाहता पर वो मुर्गी हो गई। और शॉपिंग करके रात इतनी हो गई थी कि पूछो मत, रात के 10 बजे वो आई थी कि मुझे मेहंदी लगा दो, और मुझे इतना गुस्सा आया था कि शॉपिंग करके अभी टायर्ड हुई हूँ और वो हाजिर हो गई कि मुझे मेहंदी लगा दो। मुझे बहुत गुस्सा आया था, लेकिन मैंने कुछ किया नहीं क्योंकि वो छोटा बेबी है और मेरे साथ हर समय रहता है, तो उस पर ना मुझे एक अलग सा प्यार आता है। पर एक तो मुझे मेहंदी लगाना आता नहीं, और उसने मुझे इतना परेशान कर दिया कि यह ड्राइंग करो। मुझे मेरा सर एकदम गर्म हो गया था कि रात के 10 बजे मुझे मेहंदी लगाना पड़ रहा है। लेकिन वो बहुत क्यूट सा बेबी है जो मेरे घर के पास ही रहती है और मेरे साथ साथ हमेशा चलती है, तो मैं उसको बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए मैंने रात के 10 बजे भी उसको मेहंदी लगा के दिया और वो इतना खुश हुई थी ना कि क्या बताऊँ मैं। मेहंदी लगाने के बाद का जो उसका चेहरा है वो आप अगर देखोगे ना तो आप भी खुश हो जाओगे कि एक छोटा बेबी इतने अच्छे से मुस्कुरा रहा था। फाइनली मैंने रात को 10 बजे बहुत ट्राई किया उस मेहंदी लिक को अच्छे से सजाने के लिए, पर उतना होता नहीं है मुझसे, मुझे जितना आता है मैंने उससे कर दिया और वो बहुत खुश हुई थी। उसमें भी मुझे बहुत शांति मिल गई थी कि चलो रात के 10 बजे ही सही, अगर वो खुश होती है तो यही सही। तो मैं आप सब लोगों को एक बार डिज़ाइन दिखा देती हूँ, देखो मैंने क्या किया। एक मोर बनाने चली थी पर वो मुर्गी बन गई, तो इसके लिए कोई बात नहीं, और उसको देखो कितना खुश है, और वो खुश तो मैं खुश। फिर उसके मैंने एक हाथ पे मेहंदी लगाई थी, फिर वो उसने बोला कि मुझे दोनों हाथ पे मेहंदी चाहिए, तो मेरा सर तो और भी गर्म हो गया,
क्योंकि एक हाथ पे मुझे आता नहीं है, एक तो मुझे आता नहीं है और एक हाथ पे मैंने कर दिया था फिर भी। लेकिन वो उसने बोला कि दोनों हाथों पे चाहिए, ऐसा ऐसा डिज़ाइन चाहिए। मेरा सर एकदम सा गर्म हो गया। फिर मैंने उसको बोला कि तू चुप कर, नहीं तो तेरे मुँह पे अभी ड्राइंग कर दूँगी। और ये बात सुनने के बाद फाइनली वो चुप हो गई थी, जो मुझे बहुत शांति मिल गई थी बाद में। और मैंने उसके दूसरे हाथ पे भी ड्राइंग करना शुरू कर दिया। मुझे जितना आता था, मैंने मुझे जितना लगा कि सही होगा उतना मैंने किया। सो दोस्तों, मैं वैसे ब्लॉग वीडियो तो करती नहीं हूँ, मैं मेरा वीडियो हमेशा डांस पर्पस रही है, मैं डांस वीडियो अपलोड करती हूँ। लेकिन क्या है ना, आज मुझे एक कमेंट आया था, और बहुत सारे कमेंट आते हैं कि आप ब्लॉग करो, आप ब्लॉग करो। तो मुझे वैसे तो ब्लॉग इतना अच्छे से मैं कर नहीं सकती, पर नया नया हूँ ब्लॉग में, तो मैं कोशिश करूँगी कि आप सब लोग जैसा चाहते हैं वैसा ब्लॉग मैं बनाऊँ। तो आप लोग मुझे कमेंट करना कि आप लोगों को कौन सा ब्लॉग चाहिए, या फिर प्रैंक वीडियो चाहिए, कुछ भी चाहिए हो तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप ऐसा वीडियो करो, तो मैं करने की 100% अपनी ओर से कोशिश करूँगी। रात को 10 बजे एक छोटा बेबी को मैंने मेहंदी लगा के दिया, दोनों हाथ भर भर के, और वो इतना खुश हुई थी कि क्या बताओ। वो बहुत खुश हो गई थी और मुझे भी बहुत खुशी मिली कि रात के 10 बजे ही सही मैंने उसको ड्रॉ करके दिया। और वो मेरे साथ हर जगह चलती है, शॉपिंग बोलो, हॉस्पिटल बोलो, डॉक्टर के पास बोलो, वो सब जगह मेरे साथ चलती है। देखने में छोटा पैकेज है लेकिन है बहुत बड़ा। दादी नानी जैसे बातें करती है और मुझे बहुत हंसाती है। जब भी मेरा मूड ऑफ होती है वो मुझे बहुत हंसाती है, मोटिवेट करती है कि कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। वो ऐसा ऐसा करती है, बोलो, इतना छोटा बच्चा मुझे इतना एनकरेज करता है। और अब चलो, मेरा डिज़ाइन कुछ ख़त्म ही होने वाला है, इस वजह से मैं नाचने लगी थी कि चलो अब थोड़ा जाके मुझे रेस्ट मिलेगा, क्योंकि आज मुझे एकदम भी रेस्ट नहीं मिला। सुबह से लेके मैं शॉपिंग जा रही हूँ, यहाँ जा रही हूँ, वहाँ जा रही हूँ, और मेरा बर्थडे भी आ रहा है, तो इसलिए मैंने इतना सारा शॉपिंग कर लिया। क्या क्या शॉपिंग किया वो मैं बाद में बताऊँगी आप सब लोगों को, वो सरप्राइज़ रहेगा। तो देखो, दूसरे हाथ का जो मेहंदी है वो भी मैंने कुछ सेम सा बनाने की कोशिश की थी। फाइनली मैं रात को 10 बजे उसको मेहंदी कंप्लीट करके दिया और वो बहुत खुश हो गई थी। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ज़रूर मिलेंगे हम सब। कैसा लगा वो ज़रूर बताना कमेंट में।